सेइका, तुम्हारा एग्जाम कैसा गया? मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा गया। मुझसे तो शायद बहुत सारी गलतियाँ हो गई हैं। तो सबकी भरपाई प्रैक्टिकल में कर लेना, ठीक है? इसे तैयारी के लिए समय नहीं मिला, कोशिश तो पूरी की है इसने। तलवार भी चला लेती है। आमियू, मैं कॉमनर हूँ। चारों के चारों एलिमेंट्स। अब देखते हैं इसमें कितना दम है। करने वाले हैं प्रैक्टिकल्स। इन टारगेट्स पर निशाना लगाओ और अपना जादू दिखाओ। 22 टारगेट्स हैं। अग्नि, पृथ्वी, पानी, हवा, रोशनी और आखिर में अंधेरा है। जितने चाहे उतने वार कर सकते हो। हर निशाने के पॉइंट्स मिलेंगे, तो जितने हो सके उतने सही निशाने लगाओ। चलो फिर छड़ी उठाओ और शुरू हो जाओ। लाल जले चमकीला, आग और सल्फर की स्पिरिट से भरा, जोर की दहाड़ से गुस्से को जमा करो। फायर बॉल, ताकतवर पीला, चट्टाने उठाने वाली स्पिरिट्स, अपना गुस्सा तोड़कर पत्थरों में बदल दो। स्टोन ब्लास्ट, मेरे नीले बुलबुलों, बर्फ और झरनों की स्पिरिट्स, जम जाओ और गुस्सा भाले में बदल दो। आइसिकल स्पीयर। तो इन सारे बच्चों ने सिर्फ एक एक एलिमेंट ही चुना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लगता है अब मेरी बारी है, अब मैं जाती हूँ, ठीक है सेइका? ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना। मिड्रैंक मैजिक, इसने तो जादू से पहले कोई मंत्र भी नहीं पढ़ा। जरा टारगेट की हालत तो देखो। मुझे माफ कर दीजिए। इसकी आग की लपटें तो टारगेट से अभी तक निकल रही हैं। क्या मैं एक और टारगेट ले सकती हूँ? क्यों नहीं? और एक। विंगलांस। फिर से मंत्र नहीं पढ़ा, ये तो मेट रैंक मैजिक है ना? ये लोग अभी इन टारगेट्स का क्या करेंगे? शांत हो जाइए, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारे पास और भी टारगेट्स हैं। सर, मेरा हो गया। टारगेट्स के लिए माफ कीजिएगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बताओ तुम्हें कैसा लगा सेइका? मैंने टारगेट्स बर्बाद कर दिए, अब मैं अपनी तरफ से। ये विंड स्पेल कमाल की थी, तुमने ये कहाँ से सीखी? पता है, मैंने इसकी प्रैक्टिस कर रखी थी, सोचा था कि तुम्हें सरप्राइज दूंगी। सरप्राइज? ये तो बहुत ही अच्छा था, इसकी लगन ने तो आंखों में आंसू ला दिए। अभी मैं बस फायर और विंड स्पेल ही यूज कर सकती हूँ, पर ये क्या, तुम रो रहे हो? नहीं युफा, मैं रो नहीं रहा। चलो तो अब किसकी बारी है, आ जाओ। हाँ मेरी बारी है। इसके पास तो जादू शक्ति नहीं थी ना, अब ये क्या करेगा? फायर बॉल। नीली आग की लपटे, ये कैसे हो सकता है? अभी मैं पृथ्वी पर आता हूँ। क्या? ठीक है, ये तो गया। ये टारगेट्स ग्रेनाइट के बने हैं।
पृथ्वी मेटल का फेस, डायरेक्शन मेटल स्पेल, ये पत्थर मेटल बन जाए। ये कैसा हुआ था? माफ करिएगा, ये खराब हो गया। ठीक है, मैं इसे पानी कर देता हूँ। नहीं 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 नहीं, पहले मुझे ये बताओ कि ये कौन सा मंत्र था? ये स्टोन मंत्र था। क्या मतलब? आप जाने दीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। वैसे भी मैं कुछ समझा नहीं पाऊंगा। वो पत्थर पायराइट बन गया। मैंने बस ग्रेनाइट को मेटल और पृथ्वी में जोड़ दिया है, जिससे वो पत्थर क्रिस्टल में बदल गया है। पर ये बात मैं बता नहीं सकता। बर्फ की नुकीली चट्टानें, शैडो वाटर का फेस, वाटरफॉल स्पेल। लगता है कुछ ज्यादा ही हो गया। थैंक यू सर, मेरा भी हो गया। आप और एलिमेंट्स ट्राई नहीं करेंगे? मेरे ख्याल से अभी के लिए ये तीन ही काफी है। विंड मेरे पांच एलिमेंट्स में नहीं है। अभी मैं काला और सफेद जादू भी नहीं जानता। क्या हुआ ईफा? आपके जादू ने तो यहाँ सबके होश उड़ा दिए हैं। मुझे ये देखकर बड़ा मजा आया। हाय कॉर्डल, यहाँ पर सब कैसा चल रहा है? सब गड़बड़ हो रही है, एक्सीडेंट्स की लाइन लग गई है। लैम्प्रॉग वाले लड़के और उसकी दासी की वजह से ना? तुम्हें कोई अंदाजा है कि उनमें कितनी शक्ति है? नहीं। वो दासी ईफा बहुत छोटी है और जादू ठीक से जानती तक नहीं, और सेका बिल्कुल जीरो है, उसमें कोई जादुई शक्ति नहीं है। ये नहीं हो सकता, नामुमकिन। लेकिन आज मैंने यहाँ जो देखा उसके बाद तो कुछ भी हो सकता है। वैसे आज यहाँ पर कोई ऐसा भी है जो इन दोनों से ज्यादा ताकतवर है। सही कहा, तुम मेरी स्टूडेंट अम्यू की बात कर रहे हो ना? आज तक उसके जैसा यहाँ कोई नहीं आया। वो हर एलिमेंट के टारगेट को बर्बाद कर सकती है। तो मेरे ख्याल से आज यहाँ की हीरो वही लड़की बनेगी। हीरो बनेगी, जैसा कि पुरानी फिल्मों में होता था? बिल्कुल, वो जिसे सब हीरो मानते हैं, जो धरती पर जन्म लेता है शैतान को खत्म करने के लिए। अगर ऐसी बात है तब तो बहुत मजा आएगा। आ जाओ, चलो देखते हैं हमारा नाम है या नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज, मैं फेल हो जाऊँ तो मुझे छोड़ मत देना। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। बस मैं किसी भी तरह पास हो जाऊँ। चलो देखते हैं मैं कौन से नंबर पे हूँ। मिल गया। बहुत बहुत मुबारक सेका। मैं तीसरे नंबर पे हूँ। रिटन टेस्ट में मुझे पूरे नंबर मिले होंगे जैसा मैंने सोचा था, मगर मुझसे ऊपर कौन है? अरे देखो, मैं तो नंबर दो पर आई हूँ। हाँ, मैंने कर दिखाया सेका। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस ईफा। यकीन नहीं हो रहा है कि मैं ईफा से हार गया, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? और नंबर एक पर कौन है? मुझे पता था यही होगी। ये लाल बालों वाली लड़की अम्यू चारों तरफ से जादू कर सकती है ना? कमाल की बात है। हाँ, लगता है जिसकी तलाश थी वो मिल गई। अनाउंसमेंट के कुछ दिनों बाद हमारे होटल के पते पे एक इनविटेशन आ गया था। ईफा और मेरा आखिर एकेडमी में एडमिशन हो ही गया, और आज हमारी एंट्रेंस सेरेमनी है। सेका, तुम्हें नहीं लगता मेरी स्कर्ट कुछ ज्यादा ही छोटी है? नहीं, मुझे तो बिल्कुल ठीक लग रही है, बहुत अच्छी है। अभी तो हम डॉर्मेट्री में रहेंगे ना? क्या मुझे लड़कों के डॉर्म में अलाउ किया जाएगा? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। फिर मैं तुम्हारा ख्याल कैसे रखूंगी? तुम यहाँ दासी नहीं, स्टूडेंट हो ईफा। क्या हुआ? यहाँ हर तरफ एलिमेंट्स है क्या? मुझे लगता है, ओह ये तो डार्क एलिमेंट है, पर यहाँ इतने सारे कैसे? कहाँ जा रहे हो? मुझे लगता है ये सब इसकी वजह से हो रहा है। इस जादुई घेरे का एहसास वाकई में बहुत ही ज्यादा बुरा है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब क्या करें? ये स्कूल की जमीन पर है तो हमें इन सब में नहीं पढ़ना चाहिए। फिलहाल वापस सेरेमनी में चलते हैं। हाँ? मगर इसकी शक्ति के फ्लो को देखकर मुझे लगता है कि ये कितना बड़ा है। ओ, कितना सारा खाना। अरे ये क्या, तुमने खाना शुरू भी कर दिया? तुम्हें भी जल्दी से जल्दी कुछ खा लेना चाहिए ईफा। ठीक है, जैसा तुम कहो।
लगता है अम्यू कुछ बोलने जा रही है। मैं अम्यू नए स्टूडेंट्स की रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मैं ये नहीं जानती कि आप सबकी यहाँ आने के पीछे असली वजह क्या है, पर मेरे यहाँ आने की सिर्फ एक ही वजह है, मुझे ताकतवर बनना है और मैं उस ताकत की तलाश कर रही हूँ। ये रहा वो जिसे मैं मॉन्स्टर, ये तो बंद है और अपने साथियों की जरूर वो यही कहीं है। समझ नहीं आ रहा आखिर हो क्या रहा है। नामुमकिन, कहीं वो, ये तो मॉन्स्टर है। सेगा, मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया। वो यहाँ कुछ ढूंढ रहे हैं। ये तो समय की बर्बादी है, आखिर ये कर क्या रहे हैं। देखा, समय बर्बाद करने से यही होता है। अगर लड़ नहीं सकते तो रास्ते से हट जाओ। इन मॉन्स्टर्स के साथ कुछ तो गड़बड़ है, इनके अटैक्स तो ज्यादा ही स्लो है। कहीं ये कोई धोखा तो नहीं। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गया, इनमें एक कैस्टर है। ईफा, अगर तुम्हें डर लगे तो तुम जादू से भाग सकती हो, ठीक है ना? लेकिन क्यों, और तुम्हारा क्या सही काम? मुझे एक जरूरी काम करना है। कैसा जरूरी काम? कहाँ चला गया? यहाँ का नजारा देखो कितना सुंदर, और भी लगेगा अगर सब साथ में रहोगे मिलकर। जिन रातों में चांद खूबसूरत होता है, मैं किसी से मिलता हूँ, भले ही मेरी मुलाकात किसी इंसान के बजाय मॉन्स्टर से हो, फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये पोएम बताती है कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। वैसे ये पोएम मेरे मास्टर ने लिखी थी, उनके आखिरी समय में उनकी हालत ठीक नहीं थी। उनकी पोएम में मॉन्स्टर की थोड़ी बहुत झलक दिख रही थी। उनका कहना था कि मॉन्स्टर किसी को चोट नहीं पहुंचाते। उनके अंदर कुछ ऐसा था जिससे वो चांद की खूबसूरती को देख पाते थे। तो क्या तुम्हारे पास भी ऐसा दिल है जो चांद की खूबसूरती को देख सकता है? बोलो गैलियस। एक इंसान का बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? ये मत कहना कि तुम मेरे पीछे आ रहे हो, ऐसा है तो तुम बेवकूफी करोगे। तुम मुझे अकेले कभी नहीं हरा सकते। मैं तो खेलने के मूड में था, डर था कहीं मूड ना बिगड़ जाए। जीतने की बहुत जल्दी है बेवकूफ इंसान, अब तुम्हारी ज्यादा जिंदगी नहीं बची। आ जाओ मेरे गुलामों, खत्म कर दो। सनलाइट का फेस, फॉलिंग फ्रूट स्पेल। प्रोटेक्टिव फौरन रोक देने वाला फेस। अब तुम आराम करो, मैं जीत गया। तो तुम्हें टेलीपोर्टेशन आता है, मैंने तुम्हें बहुत हल्के में ले लिया, अब मैं तुम्हें अपनी असलियत दिखाता हूँ। मेरा नाम है गुल गैलियस, मेटल का एक मॉन्स्टर जो अग्नि और पृथ्वी को कंट्रोल करता है। सनलाइट फेस, फॉलिंग फ्रूट मेटल। कोई फायदा नहीं, तुम समय पर बात कर रहे हो। वो मेरा इनविजिबल हिटोगाटा देख सकता है। शाबाश, अब ये कैसा रहेगा? क्या हुआ, सारे दाव खत्म हो गए? अपनी जान बचाओ। ये भी काफी स्लो था। बेवकूफ लड़के, उसने अपने ब्लेड को टेलीपोर्ट कर दिया और उसका रास्ता बदल दिया। मैं एक बहुत बड़ा शैतान हूँ, इसलिए काला टेलीपोर्टेशन जादू मैं बहुत आसानी से कर सकता हूँ। तो बताओ मुझे, तुम आखिर यहाँ किसकी तलाश कर रहे हो? जब से तुम यहाँ पर आए हो तब से अपने लोगों के साथ कुछ ढूंढ रहे हो। ओह, तो तुमने देख लिया, बहुत अच्छे। तुमने मुझे एक अलग टेलीपोर्टेशन जादू दिखाया, इसीलिए तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि वही एक चीज है जिसने मुझे हैरान कर दिया। सही कहा ना हीरो? तो
तुमने मुझे हीरो कहा, कहानियों वाला हीरो। कहानियों वाला हीरो कितने बदकिस्मत हो तुम। तुम्हें लगता है ये खतरनाक लड़ाई कोई छोटी सी कहानी थी? भले ही हमारी जंग कई साल पहले हुई हो, पर तुम इतना बदल जाओगे सोचा नहीं था। फिर भी हीरो और शैतानों का राजा बस तुम लोगों के मन का भ्रम था ना। तुम्हें याद नहीं होगा, पर आज से ठीक 12 साल पहले एक भविष्यवाणी हुई थी जो आज सच साबित होगी, वो भी आज की ही रात। लाल बालों वाली एक जाबाज लड़की जिसके अंदर बेहिसाब ताकत है। तो तुम अम्यू की बात कर रहे हो ना? अच्छा, तो उसका नाम अम्यू है, अब ढूंढने में ज्यादा आसानी होगी। बहुत शुक्रिया। मैंने सोचा नहीं था कि एक इंसान के बच्चे के साथ मेरा इतना जबरदस्त मुकाबला होगा। कोई नहीं, अभी भी एक चीज है जिससे निपटना फिलहाल बाकी है मेरे हीरो। बिना बादल के आसमान किसी को नहीं सुहाता, काश मैं इन बादलों को रंगों से भर पाता। और ये पोयम मैंने मेरे मास्टर के लिए पढ़ी थी। जिस रात आसमान में बादल कम होते हैं, कुछ कमी महसूस होती है। शायद मुझे तुमसे नफरत थी क्योंकि तुम घने बादलों जैसे हो जो अब आसमान से हट चुका है, मुझे ऐसा लगता है। पर पोयम में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, अच्छा है ना? मैंने अपने मास्टर को मार डाला ताकि मुझे उनकी पोयम ना सुननी पड़े। दरअसल उनकी पोयम्स में हमेशा मॉन्स्टर मैं था। तो फिर तुम जिंदा कैसे हो? ये मैं क्यों बताऊं? क्या तुम इतना भी और मैं फिर से पैदा हो गया। मानता हूँ तुम फिर पैदा हो गए, मगर मेरा ब्लेड कैसे गायब हुआ? ऐसी चीजों को खुद से दूर रखने के लिए मैंने एक मंत्र सीखा है। बहुत अच्छे, और अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा, और फिर उस हीरो को भी। सबसे ताकतवर होने के पहले उसे निपटा दूंगा। सबसे ताकतवर? तुम्हारी गलत फहमी है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ताकतवर लोग ही दुनिया चला सकते हैं? वो जिन्हें मार्शल आर्ट्स आता है? तो तुम गलत हो। ताकत बस गिनती का खेल है। चालाकी से गिनती को काबू में रखना ताकत है। पूरी दुनिया जितना कर सकती है, एक इंसान उतना खून खराबा नहीं कर सकता। लगता है तुम्हारा असली ताकत से अभी सामना नहीं हुआ। ताकत के आगे दुनिया घुटने टेकती है, ताकत के आगे सब सर झुकाते हैं। सच कहूँ तो मैं भी सबसे ताकतवर हुआ करता था। झूठ बोल रहे हो तुम। वाटर का फेस, वाटरफॉल स्पेल। इसमें इतनी जादुई शक्ति कहाँ से आई? समझ गया, टेलीपोर्ट से वो यहाँ से भाग गया। तो ये लो लाइटिंग बीस्ट। ये चोट सीधे तुमने अपने ऊपर ले ली, क्या खेल खत्म हो गया? मेरे पीछे तुमने फिर से अपना जाल बिछा दिया और तुम फंस गए। मेटल और वाटर का फेस, एशियन फ्लावर स्पेल। तो मिस्टर मेटल डेविल, क्या तुम्हें ये पता था? सॉल्ट को दो हिस्सों में बांट देने से हमें मिलती है एक मेटल की। इसका मतलब सॉल्ट में मेटल मौजूद होता है, और क्रिस्टल पानी के साथ बहुत ही तेज रिएक्शन करते हैं, जैसा तुमने अभी देखा। ये नहीं हो सकता, मैंने ऐसा मेटल कभी नहीं देखा। वैसे तुमने कभी थोड़ा और पढ़ने के बारे में सोचा है? क्या कभी सोचा है आग असल में है क्या? या हवा बनाने के लिए पानी को अलग क्यों करते हैं? ठंडी हवा हमेशा नॉर्मल पानी को ठंडा पानी क्यों बनाती है? ये सब जानना है तो पढ़ाई करो। तुम मुझे लेक्चर दे रहे हो? मैं तुमसे अभी भी आराम से लड़ सकता हूँ, और आराम से हरा भी सकता हूँ। तुम्हारे इन अजीबोगरीब टोटकों की तुम्हें बहुत जल्दी कमी होने वाली है। मेरे टोटके? तुम्हारा मतलब कि? ये तो मेरे पास बहुत है, इन्हें तो मैं सालों से हर रोज बना रहा हूँ। मैं ये पार्टी अभी खत्म नहीं करना चाहता था, मगर ये तो खत्म होने वाली है। तो आज की पार्टी में तुम्हारी बॉडी से अपने सभी गुलामों का पेट भर के बस जल्दी ही खत्म करने वाला हूँ। चतुर्दासु दसु तोरिनिन्हु नवु एकमु एराविति सकरु सुआका। अब मैं बुलाऊंगा मिसुची को।
दानों का राजा भी ड्रैगन को नहीं बुला सकता। ये कोई ड्रैगन नहीं है, इसे तुम रियो बुला सकते हो। अभी मिजुची को वापस भेजने का समय आ गया है और ये तो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। इसकी तो मैं इसे भागने नहीं दूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिजुची मुझे धोखा देगा, लेकिन मैं ये समझ सकता हूँ शायद उसकी स्पिरिचुअल पावर ज्यादा है, जबकि मेरी बॉडी पहले जितनी मैच्योर नहीं है। बचाओ सीता! प्लीज मुझे माफ कर देना युकी, तुम टेलीपोर्ट के समय पीछे छूट गई थी क्या युकी, बताओ मुझे। अरे नहीं, मुझे लगा मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती इसलिए जाकर छिप गई थी। वैसे क्या तुम सच में उस कमजोर मॉन्स्टर के सामने अपनी ताकत हितोगाटा की कुर्बानी देने वाले थे? वो चाल कामयाब बनाने के लिए मैं तो 3-4 बार मरने की सोच रहा था। ओह, तो ये असली बात है। वैसे तुम एक पोएट हो और ये बात तो तुमने मुझे कभी भी नहीं बताई, जानकर अच्छा लगा। प्लीज ऐसा मत कहो मुझे। पर तुम फिक्र मत करना, ठीक है अम्मू, मैं तुम्हें सबसे ताकतवर बनाकर रहूंगा, भले उसके लिए मुझे डिमोन किंग को खुद क्यों ना मारना पड़े।